आज हम टेडो बेटा व ब्रेटो बेटा में समानता पढ़ेंगे। यह एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है, इसका 10 नंबर का प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। टेडो बेटा व ब्रेटो बेटा में समानता, दोनों समूह में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, लैंगिक जनन विषम युग्मक की होता है। थर्ड पॉइंट है, नर जननांग को पुदानी और स्त्री जननांग को स्त्रीदानी कहते हैं। ओके, चौथा है पॉइंट है, पुंगव गतिशील और अंड अगतिशील होता है। पांचवा पॉइंट है, दोनों समूह में निषेचन जल की उपस्थिति में होता है। ओके, पांच पॉइंट काफ़ी होते हैं। अब इसमें अंतर पढ़ लेते हैं टेडो बेटा व ब्रेटो बेटा में। टेडो बाइट्स का पादप काय ब्रेव बाइट्स की तुलना में बड़ा होता है। सेकेंड पॉइंट है, टेडो बाइट्स में काय प्रवर्धन ब्रेव बाइट्स की तुलना में बहुत कम पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, टेडो बाइट्स में संबंध अंतर सुविकसित होता है और ब्रेव बाइट्स में अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है। ओके, चौथा पॉइंट है, ब्रेव बाइट्स समजनुक होते हैं जबकि टेडो बाइट्स विषमजनुक होते हैं। ओके, फाइव पॉइंट्स है, टेडो बाइट्स का पादप काय जड़ तना पतिवस्तम में विभाजित होता है परंतु ब्रेव पार्ट्स में पादप काय के लाभ होता है। अब हम टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म में समानता और उसके बाद अंतर या असमानता पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म में समानता का। फर्स्ट पॉइंट, दोनों समूह में पादप काय बीजाणु विधि तथा जड़ व तना और पत्तियों में विभाजित होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट होगा, बीजाणु विधि तथा युग्मोद्भिद व्यवस्था में नियमित पीढ़ी एकांतरण होता है। दोनों समूह में पत्तियां कुंडलित और कुंडलित विन्यास वाली होती है। ओके, चौथा पॉइंट है, दोनों समूह में जाइलम फ्लोएम सुविकसित होते हैं। फाइव पॉइंट है, गुरु बीजाणु स्थायी रूप से सम बीजाणुदानी के अंदर होते हैं। अब इसके बाद हम इनमें अंतर पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म में। इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, आगे बोले टेरिडोफाइट्स नमचायदा स्थानों पर पाए जाते हैं जबकि जिम्नोस्पर्म मृद्भिद अवस्था में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म में पराग नलिका बनती है जबकि टेरिडोफाइट्स में नहीं बनती है। थर्ड पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म में परागण पाए जाते हैं जबकि टेरिडोफाइट्स में इसका अभाव होता है। चौथा पॉइंट है, टेरिडोफाइट्स में जिम्नोस्पर्म के समान कैम्बियम नहीं पाया जाता है तथा इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। पांचवा पॉइंट है, टेरिडोफाइट्स की युग्मोद्भिद और प्रवस्था बीजाणुद्भिद पर आश्रित नहीं होती है जबकि जिम्नोस्पर्म में युग्मोद्भिद प्रवस्था पूर्ण रूप से बीजाणुद्भिद पर आश्रित होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साइंस के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।